त्योहार की खुशियां मातम में बिखरी, कटी पतंग निकालने गए बच्चों की तालाब में डूबने से हुई मौत। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुड़सूड़ी में शुक्रवार की सुबह मकर संक्रांति के दिन हृदय विदारक एक हादसा हो गया, जहां पतंग बाजी के दौरान कटकर तालाब में गिरी पतंग को निकालने गए एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं दूसरे बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन एक बालक की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है, जहां त्योहार की खुशियां मातम में बिखर गई। बताया जा रहा है कि खुड़सूड़ी गांव के कुछ बच्चे 14 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे मकर संक्रांति पर पतंगबाजी खेल रहे थे, जहां इसी दौरान एक पतंग कटकर स्कूल के पीछे बने तालाब में जा गिरी थी, जिसे निकालने के लिए दो बच्चे तालाब के पास गए और पानी में पत्थर मारकर पतंग को तालाब किनारे पर ले आए। इसी दौरान दोनों बच्चे पतंग को हाथ से निकालने ही गए थे कि पाव फिसलने से दोनों एक दूसरे के सहारे तालाब में गिर गए। क्योंकि तालाब काफी गहरा था, जहां एक बच्चा बालकृष्ण नकपुरे उम्र 14 वर्ष की डूबने से मौत हो गई, लेकिन दूसरा बच्चे को अन्य साथियों ने बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद पूरे गाँव में मातम की लहर दौड़ गई, तो वहीं लोगों का मौके पर ही हुजूम लग गया, जहां घटना के तत्काल बाद पुलिस और होमगार्ड की टीम को सूचना दी गई, जहां करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद होमगार्ड की टीम ने तालाब में डूबे 14 साल के बालक बालकृष्ण पिता डुलीचंद नकपुरे का शव बरामद किया है। सहायक उपनिरीक्षक महेश कुमार उइके, होमगार्ड बालाघाट। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुआ कि खुरसोड़ी में के तालाब में एक बालक डूब गया है, जहां पर हमारी रेस्क्यू टीम तत्काल तैयारी होकर खुरसोड़ी पहुंचे और आधा घंटा कड़ी मेहनत करके गहराई वाले क्षेत्र से बालक का शव प्राप्त कर पुनः होमगार्ड कार्यालय वापस होने जा रहे हैं।